हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्शन रिएक्शन। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त फारुक मुगल। स्टिल यू डिड नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। अभी की जो हमारी वीडियो, ये एक फनी वीडियो की रिएक्शन वीडियो, और इस वीडियो का नेम है दीपक कलाल को मच्छर ने दिया लव बाइट। और ये दीपक कलाल की वीडियो है, पहले हम देखेंगे ये वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैं दूंगा आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। तो आइए चलकर देखते हैं पहले हम ये वीडियो और इससे मेरा रिएक्शन। फैंस, ये जो आप बाइट देख रहे हो, ये कोई विराट कोहली का लव बाइट नहीं है। ओके फैंस, कल रात को मैं सो रहा था और एक मच्छर आई मेरे छाती पर आके बैठी और मुझे देख डरले काटने लगी, मेरा खून चूसने लगी। फैंस, अगर मैं चाहता तो वो मच्छर आई को हटा देता, लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया। फैंस, मैं बेटा का ब्रांड एम्बेसडर हूं, बेटा का बेटा हूं, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर ये मच्छर आई अगर भूखी है और अगर वो मेरा खून चूस रही है तो उसे चूसने दो। ओह जबरदस्त जबरदस्त। ये जो एनिमल्स होते हैं इसे प्यार करना सीखो। सही बात है, हमें कोई बड़े बड़े चेक्स नहीं देने हैं और ना ही हमें बहुत डोनेशंस देने हैं। मच्छर तो कीड़ा मकोड़ों में शामिल होता है, जानवरों में नहीं होते हैं। उनके साथ प्यार करना बहुत जरूरी होता है। सही बात है। ये कॉकरोच, ओहो बैक्टीरिया, ये सबसे प्यार करना चाहिए। हमारा बीपू बेटा तो चींटियों से भी बहुत प्यार करता है। हाँ फ्रेंड्स, जब भी मुझे कोई चींटी भूखी दिखाई देती है तो मैं उसको दो चार शुगर क्रिस्टल दे देता हूँ। वैसे तो मैं एक तो भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चार पांच देता हूँ क्योंकि हमें अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। सही बात है, कमाल ही हो गया है। तो आज एनिमल डे है और मैं चाहता हूँ कि आप ही ये जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर प्यार बरसाना। लव यू फैंस, बेटा का बेटा दीपक विद हिज मॉम, मुझे टाटा कर जो, मुझे टाटा कर जो, और हाँ एनिमल से बहुत प्यार कर जो। सही बात है, ये सब अच्छा होता है। कमाल ही हो गया ये तो। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और इस पे मेरा रिएक्शन, हम बात करेंगे आपसे इसी वीडियो के हवाले से। मजेदार किस्म की थी और दीपक कलाल की जो वीडियोज होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, जो कि वाकई में अलग किस्म की होती हैं और जो कि काफ़ी इंटरटेनिंग होती हैं। जैसे कि आपने ये वीडियो देखी तो ये जानवरों के हवाले से थी, जो कि अच्छी थी और अच्छे मैसेज के साथ थी कि हमें जानवरों से मोहब्बत करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहाँ वाजे करता चलूँ कि जानवरों से करनी चाहिए, कीड़े मकोड़ों से नहीं, जैसा कि इसमें लालबेक और मच्छर वगैरह का जिक्र किया, क्योंकि ये जो है हमारी लाइफ में काफ़ी मतलब मुश्किलात का सबब बन जाते हैं। जैसे मच्छर काट लेता है तो मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, और ना जाने क्या क्या बीमारियां मच्छर से हो रही हैं। तो हमें मतलब स्प्रे वगैरह करना चाहिए, मच्छर मार और ग्लूप और मतलब मैट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों का यूज़ बिल्कुल करना चाहिए हर हाल में, क्योंकि हमारी मतलब जानों को खतरा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जानलेवा भी साबित हो जाती हैं बीमारियाँ। और डेंगू वायरस का तो क्या ही कहना है, जो कि बंदा तो बेहाल हो जाता है, उसके वाइट सेल्स कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि आप मच्छर मार चीज़ें इस्तेमाल करें ताकि जो है सही रहे, क्योंकि जानवरों से मोहब्बत करें, कीड़े मकोड़ों से एहतियात करें। और जैसे कि आपने देखा इसमें वीडियो में बताया, लालबेक वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा मतलब इन सारी चीज़ों का सबब बनते हैं। तो मतलब कोई चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं ये वो तो मुँह मारते फिरते हैं, तो लालबेक मार का भी स्प्रे करना चाहिए, जो कि एक तरह से मैं ये कहूँगा कि बचना चाहिए इन सारी चीज़ों से, ये गंदगी गलाजत फैलाते हैं ये। और बाकी जो जानवरों के लिहाज से मैं कहूँगा, हाँ जानवरों से मोहब्बत करें, गाय से करें, बकरे से करें, दुम्बे से करें, सारी चीज़ों से मोहब्बत करें, जो मतलब कीड़े मकोड़ों से एहतियात करें, क्योंकि एहतियात जो है काफ़ी हद तक
अच्छा मतलब इस तरह से आपकी मतलब सेहत के लिए बेहतरीन अमल रहेगा। और रही बात चींटियों की, तो चींटियों के हवाले से इसमें बात की गई, तो चींटियों से तो मुझे भी बेतहाशा मोहब्बत है और बहुत मुझे अच्छी लगती हैं, बहुत एक तरह से आप कह लें क्यूट सी होती हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि शायद आपको इस हवाले से आइडिया हो ना हो कि चींटियाँ भी दो तरह की होती हैं, जैसा कि एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा छोटी सी होती हैं जो मतलब आप कह लें ऑरेंज टाइप या रेडिश टाइप की होती हैं, जो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, एक तो वो होती हैं, और उसके अलावा एक और जो होती हैं जो थोड़ी मोटी टाइप होती हैं ब्लैक रंग की। मैं मकोड़ों की बात नहीं कर रहा, वो तो काफ़ी बड़े होते हैं। तो मतलब चींटियों में भी दो टाइप पाई जाती हैं, तो मतलब चींटियों का आप ज़रा एहतियात करें, क्योंकि ज़ाहिर वो मासूम भोली सी होती हैं छोटी सी, तो वो कुछ नहीं कहती जब तक उनको छेड़खानी ना की जाए। और आप चींटियों को डाल दें खाना पीना जो कुछ करना है, हाँ लेकिन दीमक को नहीं, दीमक अलग चीज़ है, चींटियाँ अलग चीज़ है। तो मतलब इनमें भी काफ़ी सारी टाइप्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब जिनसे बचना है आपको कि जिनसे नहीं, तो वो काफ़ी मतलब हैं इस तरह की चीज़ें। जैसे दीमक का से भी बचना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घर में लकड़ी की चीज़ें होती हैं लोगों के, और जब दीमक लग जाए तो फिर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, वो सारी चीज़ें खोखली करती रहती है, खाती रहती है, क्योंकि दीमक को लकड़ी पसंद होती है, उसको खोती रहती है, बुरादा और भूसा बना के गिरा देती है। इसके अलावा एक और चीज़ होते हैं, वो होते हैं खटमल, ओ माई गॉड, वो तो बहुत डेंजर किस्म के होते हैं, और वो रात में ही निकलते हैं और पूरा दिन वो छुपे हुए होते हैं, और वो ब्लैक रंग के होते हैं, और वो भी मतलब बहुत ज़ोर से काटते हैं और बहुत परेशानी का बायस बनते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो है आपको जानवर और कीड़े मकोड़े में मतलब फ़र्क समझना चाहिए, और जानवरों से मोहब्बत करें, कीड़े मकोड़ों से एहतियात करें। हाँ चींटी को कुछ ना कहें, क्योंकि बहुत मतलब गुनाह का सबब बनेगा आपको अगर मारेंगे, क्योंकि बहुत मासूम सी होती है वो। और बाकी जो है ये जानवर तो हमारे लिए नुकसान का सबब बन रहे हैं, तो इनको बनिस्बत हमें बुरी तरह से नहीं मारें, आप स्प्रे करें, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जिनसे वो एक बार में आराम से मर जाएं। और मज़ा आया मुझे इस वीडियो को देखकर, काफ़ी मैंने इन्जॉय किया, कमाल की थी, क्यूट स्यूट सी थी आप कह लें, और जो कि चींटी के हवाले से चींटियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये वाली बात अच्छी लगी दीपक कलाल की, कि उनको भी चींटियाँ पसंद हैं, और जो कि मैं भी मतलब कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ, और जब जा रही होती हैं कहीं ना कहीं तो मैं उनको देख रहा होता हूँ क्या कर रही होती हैं। और इस हवाले से मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि चींटियाँ जो होती हैं ये दूसरों से टच में भी रहती हैं, और ये सारा दिन सोती नहीं है, पूरा दिन रात काम ही काम करती रहती हैं। और कोई किसी को मिसाल देनी है तो वो चींटी की मिसाल देके वो कितनी मेहनत और लगन से काम करती हैं, और जो कि एक तरह से बहुत ही हिम्मत वाली होती हैं, और सबसे छोटी सी होती हैं लेकिन हिम्मत वाली होती हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, हाथी है कितना पहलवान टाइप मोटा, अगर चींटी जो है उसकी नाक के सुराख में घुस जाए ना तो उसको सांस नहीं आती, हाथी मर जाता है। तो यानी कि चींटी भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आप कह लें एक तरह से पावरफुल होती है। चींटियों पर काफ़ी ज़्यादा जोक भी बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फनी होते हैं और बहुत कमाल के। अगर मैं उस हवाले से और बात करता चलूँ तो टॉपिक हमारा अलग चला जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, जो कि देखने वाला भी फिर बोर हो जाएगा कि जो मेन टॉपिक है उससे हटकर बात हो रही है। लेकिन ओवरऑल चले हम दोबारा अपनी पटरी पर आते हैं और इसी टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि दीपक कलाल की ये वीडियो थी। मज़ा आया मुझे इस वीडियो को देखने के बाद, और उनकी वीडियोस जो होती हैं अलग किस्म की कॉमेडी करते हैं, काफ़ी आप कह लें कि जो कि दूसरों के मयार मतलब जो होता है ना उनसे काफ़ी ज़्यादा हटकर और बहुत इंटरटेनिंग होती है, जो कि एक इंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए बनाई गई होती है। बनिस्बत लोग इसको दिल पर ले लेते हैं और सीरियस मोड पर ले जाते हैं, तो वो एक अलग किस्म की बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी इनकी वीडियोस होती हैं, इनको पॉजिटिव वे में देखें, आप एंटरटेनमेंट फराम कर रहे हैं और एंजॉय करें तो बस बात ठीक है, लेकिन जो लोग गलत वे में ले जाते हैं तो वो चीज़ सही नहीं रहती है। और बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया, अच्छी थी वीडियो, क्यूट सी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग भी थी, वेरी नाइस, गुड, ग्रेट। तो जी फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरे साथ देखी ये वीडियो और उस पर मेरा रिएक्शन, और उसके बाद मैंने दिया आपको शॉर्ट रिव्यू इस वीडियो के हवाले से। अब आप भी हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि आपकी क्या राय इस बारे में, हम आपकी कीमती राय के शिद्दत से मुंतजर हैं। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।